वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स मी अंजलि। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा बर्थडे व्लॉग नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल पे बर्थडे व्लॉग को देखिए एंड फिर मेरे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग की वीडियो ज़रूर देखिए। सो आज आप लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ ही आ गया होगा कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। सो गाइस, आज की वीडियो में मुझे जो बर्थडे पे जितने भी सारे गिफ्ट मिले थे उन सब की मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ एंड हर एक गिफ्ट को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी मुझे किसने दिया है और इसके अंदर क्या दिया है, ये तो आप लोग देख ही लोगे। तो सबसे पहले मैं खोलने वाली हूँ मेरे मम्मी का गिफ्ट। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। तो ये दिया है मुझे मेरी मम्मी और पापा दोनों ने दिया है, दोनों की तरफ से मुझे ये गिफ्ट मिला है एंड लेट्स अनबॉक्स दिस। अनबॉक्सिंग और देखते हैं मम्मी ने क्या दिया है इसके अंदर। ऊपर एक्साइटमेंट है कि आखिर इसके अंदर होगा क्या। देखने में तो कुछ ऐसा पिंक पिंक सा बॉक्स आ रहा है और देखते हैं इसके अंदर। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और अब देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो ये पूरी एक मेकअप किट है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं गाइस, मुझे पूरी ये मेकअप किट मिली है और काफ़ी अच्छा। थैंक यू सो मच मम्मी फॉर दिस गिफ्ट और मुझे काफ़ी पसंद आया गिफ्ट, आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को इसके अंदर का पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगी बट थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को इसके अंदर का। तो इसकी पैकिंग कुछ ऐसी है, इसके अंदर थर्माकोल भी लगा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो ये पूरा गिफ्ट है जो मम्मी ने मुझे दिया है बर्थडे पे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा खुल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पूरा मेकअप किट मुझे दिया है मम्मी ने, आप लोग देख सकते हैं स्कूल पूरा लुक। और मुझे सबसे ज़्यादा अभी तक यही पसंद आया है, मतलब इसकी देखिए, इसकी जो फ्रंट का डिज़ाइन है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, आप लोगों को भी पसंद आएगा ज़रूर। सो अभी मैं आप लोगों को इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे आई शेडो है और इसको हम जैसे ही खोलेंगे इसके मतलब पूरा डिटेल में अभी मैं आप लोगों को नहीं खोल के दिखा रही हूँ वरना वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। सो ये मुझे मम्मी पापा दोनों की तरफ से मिला है ये मेकअप किट और अब अपना नेक्स्ट गिफ्ट ओपन करते हैं। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट गिफ्ट है मैं ओपन करने जा रही हूँ, ये मेरे चाचा जी ने दिया है जिनका नाम संतोष है और इसमें पहले बहुत सारी आप लोग देख सकते हैं डेरी मिल्क चॉकलेट लगी हुई है और अब इसको मैं जल्दी से ओपन कर लेती हूँ। खुल चुका है पूरा गिफ्ट, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हो।
इसके अंदर शायद सेल भी होगा, अभी मैं इसके अंदर यहाँ पे सेल लगेगा, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर स्विच है ऑन ऑफ का, तो मेरे ख्याल से पे सेल लगेगा तभी ये चलेगा। सो अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट गिफ्ट को अनबॉक्सिंग करने। सो अब जो नेक्स्ट है वो मैं अपने छोटे भाई का खोलने जा रही हूँ, जो कि मुझे दिया है दिव्यांश ने, और इसे मैं अनबॉक्स करती हूँ जल्दी से। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि ये दिव्यांश ने जो गिफ्ट दिया मुझे भी मतलब कोई आइडिया नहीं कि उसने क्या दिया है, और अब मैं बस जल्दी से इसे ओपन करे जा रही हूँ और एक्साइट। ओ माय गॉड, आप लोग देख सकते हैं दिव्यांश ने मुझे पाउच दिया जो कि कितना अच्छा लग रहा है, और जो पहले मैंने आपको दिखाया था मेरे चाचा जी ने गिफ्ट दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाइट जल रही है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्रीटी लग रहा है। इसे हम पीछे रख सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये मुझे दिया है दिव्यांश ने जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को एक बार। तो ये एक पाउच है और जो कि मेरा फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट अब पाउच हो गया, मतलब ये पाउच मुझे ना बहुत पहले से पसंद था बट मैंने कभी ख़रीदा ही नहीं इसे, और इसके अंदर फर लगे हुए हैं, मैं पूरा रीओपन करके दिखाती हूँ। तो अब मैं आप लोगों को इसको निकाल के दिखाती हूँ और बताती हूँ कैसा है। ये बहुत ही हार्ड पैकिंग थी इसकी, हार्ड पैकिंग थी, खुल नहीं रहा था बिल्कुल भी, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके यहाँ पे फर लगे हुए हैं और ये पाउच है पूरा, ये मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था बट मैंने अभी तक ख़रीदा नहीं था, और इसके अंदर बस यही फोम शीट भरी हुई है और इसके अंदर कुछ नहीं है अभी रखूँगी। सो ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट लगा मुझे, थैंक यू सो मच इसके लिए। और अब मैं जो नेक्स्ट गिफ्ट है वो अनबॉक्स करने जा रही हूँ दीपांजली का, आप लोग देख सकते हो। तो अभी उसका जल्दी से हम गिफ्ट अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं उसने क्या दिया है। तो ये देखिए अभी ये दीपांजली का जो गिफ्ट है मैंने अनबॉक्सिंग कर ली है, और आई थिंक ये उल्टा है सो इसे सीधा कर लेते हैं। और दीपांजली ने मुझे दिया है ये पूरा कप और प्लेट और स्पून का सेट पूरा दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। इसको थोड़ा सा मैं खोल के भी दिखा देती हूँ, एक्चुअली यहाँ पे जितने भी गिफ्ट हैं उसमें पैकिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है इसलिए मैं पूरा खोल खोल के नहीं दिखा रही हूँ, और इसमें भी बहुत ज़्यादा टेप लगे हुए हैं ये देखिए। पूरा मैं कप निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ, जो कप है बहुत ही प्रीटी लग रहा है, मतलब कि बहुत हार्ड पैकिंग हो रखी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये कप, आप लोग देख सकते हो। और अब जो नेक्स्ट गिफ्ट मैं रीओपन करने जा रही हूँ वो है मेरे, ये गिफ्ट दिया है मेरे चाचा ने और इसको अनबॉक्स कर लिया मैंने। इसके नीचे निकले हैं बहुत सारे पेन, मतलब मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके इसके दिखाई देती हूँ। ये इसके अंदर इतने सारे पेन हैं आप लोग देख सकते हो, ये हॉजर कंपनी का है, कोई मैं यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ किसी भी कंपनी को। और ये जो नेक्स्ट गिफ्ट है ये भी दिया है मेरे चाचा ने जिनका नाम अनीस है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और अब इनके गिफ्ट को भी मैं जल्दी से अनबॉक्स कर लेती हूँ। और पीछे जो शोर आ रहा है उसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं और हर किसी को मैं मना तो नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पे लग रहा है कि इसके अंदर दो दो गिफ्ट है, और ये एक हार्ट का सेट है मेरे ख्याल से, इसके अंदर चॉकलेटों की, इसको खोल के दिखाती हूँ, और इसके अंदर तो ढेर सारी चॉकलेट आप लोग देख सकते हो। और इसके अंदर ये है आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारा सा इसमें टेडी बियर है जो कि बहुत ही पसंद आया आप लोगों को, मैं दिखाती हूँ। इसके यहाँ पे रोज़ भी रखे हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये पूरी हार्ट के शेप में था, और यहाँ पे ये सारी चॉकलेट्स हैं। और जो मेरे पास अब लास्ट गिफ्ट बचा हुआ है ये एक है जो कि काजल ने दिया है, और इसे भी ओपन कर लेते हैं जल्दी से। ये सेकंड लास्ट गिफ्ट है हमारा,
और इसके अंदर है यहाँ पे रोज़ आप लोग देख सकते हो, ये भी अच्छा लग रहा है काफ़ी। और ये जो हमारा लास्ट गिफ्ट है ये हमें आया मोहित ब्रदर्स यहाँ से, मतलब मोहित ख़ानदान से आया है, मतलब मेरे ताई जी के बेटे ने दिया है। और अब इसे भी जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हूँ। तो इसको पूरा खोल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग देख सकते हो इसके अंदर पूरा बस कैडबरी का सेट है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है। चॉकलेट्स मुझे पसंद ही है, आप लोगों को पता है। सो ये थी पूरी आज मेरे गिफ्ट जितने मिले थे सबकी अनबॉक्सिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी और हर चीज़ मैंने आप लोगों को दिखा दी है डिटेल में, और आई होप आप सभी को पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो रखती हूँ यहीं तक, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।